अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपसे राइस की जो रेसिपी है वो शेयर करने लगी हूँ। तो ये मैंने कुछ लेफ़्ट ओवर काले चने थे और गोश्त था, गोश्त का सालन था, उसके चावल बनाए हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनाते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें डलती हैं। चलें अब हम इस चावल बनाने का तरीका देखते हैं, ठीक है। उसके लिए मैंने कुछ लेफ़्ट ओवर जो सालन थे वो यूज़ किए हैं इसमें, ठीक है। तो गोश्त का सालन लिया, ठीक है, ये गोश्त का सालन पड़ा हुआ है और ये काले चने थे, ठीक है। तो इनको ज़ाया नहीं करना है, इसको बीच में यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। और ये टमाटर इसके लिए मैंने काट लिए थे, सब्ज़ मिर्च काटी थी, अदरक सॉरी लहसुन काटा है, ठीक है। गरम मसाले में मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने तेज़पत्ता ली है, दालचीनी ली है, बड़ी इलायची ली है, लौंग ली है, काली मिर्ची ली है और ज़ीरा लिया, ठीक है। और कुछ ये केचप्स भी हैं वो मैं यूज़ करूँगी एज आ टमाटो केचप, ठीक है। तो वो डिफरेंट फ्लेवर आ जाएगा, तो इंशाल्लाह चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हाँ जी, अब मैंने ये मसाला बनाना स्टार्ट कर दिया है। इसमें मैंने घी डाला है, ठीक है, और प्याज डाले हैं। सॉरी, जब मैंने आपको चीज़ें बताई थी उसमें मैंने आपको ये नहीं बताया था कि प्याज भी डालने हैं, प्याज इसमें डालने हैं, ठीक है। तो मुझे जहन में निकल गए थे, तो अभी मैंने जब इसको स्टार्ट करना था तो मुझे याद आया, मैंने कहा टमाटर नहीं अपना रहे, ठीक है, सॉरी प्याज नहीं डाले। तो इंसान है, इंसान से गलती होती रहती है, तो इसलिए मैं उस टाइम जहन से निकल गया। तो जैसे ही मैं स्टार्ट करने लगी तो मुझे याद आया कि प्याज भी डालना है, ठीक है। तो आप छोटा सा प्याज डालें, फ्राई करना है आपने, मैं आपको बताऊंगी कि किस स्टेज पे आपने जाके इसके नीचे चीज़ें डालनी है, ठीक है। जब इस स्टेज पे हम पहुँचेंगे तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन, लहसुन को ऐड कर देंगे इसके अंदर, ये ब्राउन हो जाएंगे प्याज, ठीक है। इसके साथ फिर हम ऐड करेंगे हम ज़ीरा, ठीक है, ज़ीरा को थोड़ा सा फ्राई करना है, ठीक है। कर देंगे, थोड़ी देर इसको फ्राई करेंगे और फिर हम इसमें पानी डालेंगे ताकि ये ज़्यादा जले ना। उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद मैं ये सब्ज़ मिर्ची डालूंगी, नमक जितना आपको चाहिए होता है उतना मैं डालूंगी। लाल मिर्ची, ये आप डाल सकते हैं इसके अंदर, ये मैंने इसकी क्वांटिटी आपको इसलिए नहीं बताई। अब इसमें मैं डालूंगी गोश्त का मसाला,
मैंने गोश्त का सारा डाल दिया है। ठीक है, अब ये जो काले चने थे वो भी मैं डाल देती हूँ। इसके बाद मैं ऐड करूँगी, ये मैंने अचार लिया था थोड़ा सा, वो इसके में डाल देते हैं। खट्टा खट्टा सा टेस्ट आएगा यम्मी का। और जो टमाटर लिए थे वो भी डाल देंगे आप। केचप जो थी उसको भी मैं डाल लूंगी। इसके अंदर मैं इसको पकाती रहूंगी। ये आप देख सकते हैं कि पानी जो है हल्का हल्का बॉयल हो चुका है, इसमें से धुआं निकल रहा है, तो मैं अब इसमें चावल डालूंगी। आप देख सकते हैं कि ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें चावल डाले थे। ठीक है, अभी थोड़ा सा पानी इसमें खुश्क होने दूंगी, तो फिर इसको मैं इंशाल्लाह दम के ऊपर लगा दूंगी। और जब चावल रेडी होंगे तो इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि कैसे बने हैं। ये देखें, हमारे चावल जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। गोश्त, काले चने और अचार डाला था मैंने इसमें। ठीक है, तो इसको खाएं, इंजॉय करें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां करे, और जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहतयाबी दे, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नई वीडियो मेरी मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।